नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। इन टुडेज वीडियो आई वुड बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट पास्ट टेंस। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, लेट अस रिवाइज व्हाट वाज टॉट इन द प्रीवियस वन। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड टोल्ड यू दैट वर्ब्स डोंट ओनली टेल अबाउट एक्शंस, रादर वर्ब्स also tell about the time of action. The verbs that tell us about actions that take place regularly are in simple present tense. Also, things that are always true and general statements, they are also expressed in simple present tense. We had also covered present continuous tense. Present continuous tense is used to talk about an action that is still going on at the time of speaking. अभी तक हमने पिछले वीडियो में सीखा कि वर्ब एक्शन के साथ साथ टाइम ऑफ एक्शन के बारे में भी बताते हैं। जो वर्ब हमें एक्शन के बारे में बताए जो कि रेगुलरली होते हैं, तो वो वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, और जो बातें बिल्कुल सच होती हैं और जनरल स्टेटमेंट्स, वो सब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। और साथ में हमने जाना था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उस बात को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो अभी भी जब कोई उसे बोल रहा हो तब भी वो चीज या कार्य चल रहा हो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो आई वुड लाइक टू से यू समथिंग। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज हिट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। So, let's start this video on past tense. Verbs that tell us about actions that took place some time ago are in past tense. Example, Tashi went to the market yesterday. When did Tashi go to the market? Tashi went to the market yesterday. Yesterday is the time which is over. So here past tense has been used. Another example is I played carom with Imran. This sentence also shows that the event took place some time ago. So here the verb play ed, this ed has been added to make the verb into past tense. वर्ब जो हमें एक्शंस के बारे में बताएं जो कुछ समय पहले हुए थे, तो वो वर्ब्स पास्ट टेंस में होते हैं। जैसे ताशी कल मार्केट गई थी, मैंने इमरान के साथ कैरम खेला था। यहां पर जो थी और था है वो समय बीत चुका है, इसलिए यहां पर पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है। अब अगर बात करी जाए पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस में हम कवर करने वाले हैं पहले सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस डी और ईडी इज एडेड टू चेंज सम वर्ब्स इनटू देयर पास्ट टेंस फॉर्म्स। एग्जांपल होप, द पास्ट टेंस ऑफ होप इज होप्ड। सिमिलरली सिंपल पास्ट टेंस ऑफ push is pushed. अगर बात करी जाए सिंपल पास्ट टेंस की, तो वर्ब को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करने के लिए डी या फिर ईडी जोड़ दिया जाता है उसके पीछे। जैसे होप का हो गया होप्ड, पुश का हो जाता है पुश्ड। ऑल्सो स्पेलिंग ऑफ सम वर्ड्स आर चेंज्ड व्हेन दे आर चेंज्ड इनटू पास्ट टेंस फॉर्म। एग्जाम्पल
रिंग बिकम्स रैंग एंड फाइंड बिकम्स फाउंड इन सिंपल पास्ट टेंस सम वर्ड्स चेंज कंप्लीटली और डू नॉट फॉलो एनी रूल वाइल चेंजिंग टू सिंपल पास्ट टेंस दे चेंज इन टू पास्ट टेंस इन इरेगुलर वेज एग्जाम्पल गो बिकम्स वेंट एंड टीच बिकम्स टॉट इन सिंपल पास्ट टेंस कुछ शब्दों की स्पेलिंग बदल जाती है जब उनको सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं जैसे रिंग बन जाता है रैंग फाइंड बन जाता है फाउंड और कुछ शब्द तो पूरे तरीके से ही बदल जाते हैं और वो कोई भी नियम फॉलो नहीं करते जैसे गो का पास्ट टेंस हो जाता है वेंट टीच का पास्ट टेंस हो जाता है टॉट इफ वी टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट देयर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड वाज और वर आर यूज्ड एंड ing इज एडेड टू द मेन वर्ब टू चेंज इट टू पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म एग्जाम्पल ही वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट वेन द स्टॉर्म केम सो हेयर वॉज हैज बीन यूज एंड ing हैज बीन एडेड टू द वर्ब दैट इज स्टडी सेकेंड एग्जाम्पल इज दे वर स्लीपिंग वेन द अलार्म rang here verb has been used and ing has been added to the verb sleep so what does this sentence depict this sentence shows that when the alarm was ringing at that time they were sleeping these type of sentences are in past कंटिन्यूअस टेंस अगर बात करी जाए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो जब भी कभी कोई एक्शन चल रहा था किसी समय पर पहले तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है वाज और वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब में आईएनजी पीछे जोड़ दिया जाता है एग्जाम्पल है He was studying last night when the storm came. वह पढ़ रहा था जब तूफान आया यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब तूफान आया था तब की तो उस समय पर वो बच्चा या इंसान पढ़ रहा था इसलिए यहाँ पर past continuous tense का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ was का इस्तेमाल हुआ और ing verb में जोड़ दिया गया है Second example is They were sleeping when the alarm rang. यानी कि जब अलार्म बज रहा था तब वो सो रहे थे यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है और वर्ब के पीछे ing जोड़ दिया गया है इस प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बोले और लिखे जाते हैं अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा फ्यूचर टेंस के बारे में इस वीडियो में बस इतना ही मेरा अगला वीडियो आने तक मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस हैं आप उन्हें देखते रहिए जय हिंद जय भारत